डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, हर बिजनेस को मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है, क्यों बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के पीछे पड़े हुए हैं। आज हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं बताने जा रही हूँ आपको इसी वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम कीर्ति फ्रॉम लर्निंग सेशंस एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जिसमें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हैं, टूल्स हैं, टिप्स हैं, वो सभी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इसी प्लेलिस्ट में। सो हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी है जिससे लोग अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए दुनिया को अवेयर करते हैं। जब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया या हम लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं दुनिया को, कैसे उन्हें समझा सकते हैं कि हम कौन कौन सी सर्विसेज उन्हें देने वाले हैं या कैसा कंटेंट हम उन्हें प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या हमारे प्रोडक्ट के उन्हें फायदे होने वाले हैं, ये सब हम किस चीज से करते हैं, मार्केटिंग से। पुराने जमाने में हम जब मार्केटिंग करते थे, ये जो वेज है ये अब भी चलते हैं। जब हम मार्केटिंग करनी होती थी हमें, हम प्रॉपर अपना पैम्फलेट बनवा देते थे, लोगों को बांटते थे, ऑटोज के पीछे लगवा देते थे, बसेस के ऊपर लगवा देते थे, देन बिलबोर्ड्स बना के रोड्स पर लगा देते थे जिनका बहुत ज्यादा खर्चा आता था। उसके बाद हम टीवी में एड्स चलाते थे, कोई एक्टर को हायर कर लिया, उसे एडवर्टीजमेंट बना ली, देन उसे टीवी पर रन किया, देन उसके बाद हम क्या करते थे, रेडियोस के ऊपर अपने पॉडकास्ट चलाते थे। ये बहुत सारे तरीके थे जो लोग पहले जमाने में मार्केटिंग के लिए यूज करते थे। ये जो सारी स्ट्रेटजीज थी ना, ये बहुत ज्यादा महंगी, टाइम कंज्यूमिंग थी एंड इससे जो कस्टमर है उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता था, उन्हें हम ट्रैक भी नहीं कर सकते थे कि किस टाइप के कस्टमर को हम अपनी सर्विसेज जो है वो केटर कर रहे हैं। तो उसके बाद इंटरनेट जब इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर कोविड भी, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं जो इंटरनेट पर शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर से शिफ्ट होकर सोशल मीडिया पर आ चुकी है। इतने लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो अभी इतने लोग टीवी भी नहीं देख रहे, वो सारे सोशल मीडिया को यूज कर रहे होते हैं। तो लोगों ने क्या किया, अब जब सारी दुनिया ही सोशल मीडिया पर आ गई है, तो बिजनेसमैन ने क्या किया, उन्होंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। इससे क्या फायदा हुआ कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी दुनिया सोशल मीडिया पर है, उन सभी को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना शुरू कर दिया। इसका ट्रेंड पहले कम था बट अब इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा आ चुका है, तो वैसे भी 5G हो गया है इंटरनेट। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है कि जब हम कोई भी अपनी मार्केटिंग करते हैं, कोई भी अपनी एड को चलाते हैं या कोई भी लोगों को अपने अपनी सर्विसेज के बारे में अवेयर करते हैं, पर जब हम पाथ चूज कर लेते हैं, दैट इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल पाथ हम चूज कर लेते हैं, तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग मेनली कहते हैं। ठीक है जी, डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या होते हैं कि इसमें ना आप अपने कस्टमर को चेक कर सकते हो या फिर अपने कस्टमर को चूज कर सकते हो कि मुझे स्पेशली अगर ये एड चलानी है तो किस एरिया में चलानी है, अकेले पंजाब में चलानी है, इंडिया में चलानी है या फिर दूसरे कंट्रीज में भी अपने एड चलानी है। तो इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता था। अब क्या कर सकते हो आप, अपने कस्टमर को प्रॉपर तरीके से चूज कर सकते हो कि मुझे सिर्फ लेडीज को अपने प्रोडक्ट दिखाने हैं, जेंट्स को प्रोडक्ट दिखाने हैं या बच्चों को प्रोडक्ट दिखाने हैं, किस एज के लोगों को अपने प्रोडक्ट दिखाने हैं। ये सारी जो सर्विसेज हैं ये डिजिटल मार्केटिंग आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपको अभी एड चलानी होती है तो आपको पैम्फलेट बांटने की जरूरत नहीं है, आप गूगल एडवर्ड पर जाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एड चला सकते हो, जिससे कन्वर्जन रेट भी बहुत ज्यादा होता है कि जितने भी हमारी ऑडियंस है ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होती है, ऑडियंस से हमारे कस्टमर में कन्वर्ट होते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग की बेस्ट एग्जांपल ये है कि मान लो अब आपने अमेज़न ओपन किया, आपने कोई प्रोडक्ट को लाइक किया, उसे अपने कार्ट में ऐड कर दिया एंड बाद में आपने अमेज़न को बंद कर दिया। अब आप देखोगे कि आपको 10-15 दिन तक वही प्रोडक्ट हर जगह पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखेगा। ऐसे क्यों होता है, ये है डिजिटल मार्केटिंग की पावर कि आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए बार बार अवेयर कर सकते हो, बार बार उन्हें चीजें शो कर सकते हो कि व्हाट दे बेसिकली आर लुकिंग फॉर एंड इससे क्या होता है आप अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। पुराने जमाने में मैंने जैसे बताया कि अगर मान लो किसी की कपड़ों की शॉप है, अब तो आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपने कैंपेन्स रन कर सकते हो, कैंपेन्स आप एक ही टाइम पर हजारों लोगों को, अपने हजारों पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के लिए अवेयर कर सकते हो, उन्हें ईमेल बनाकर सेंड कर सकते हो कि आपने अभी कौन से न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, व्हाट्सएप कैंपेन चला सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो एक ही टाइम पर हजारों लोगों को। तो ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के बहुत ही एफिशिएंट टूल्स, स्ट्रेटजीज हैं जिससे
अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से केटर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से एडवर्टाइज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए आप इसी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू मेक करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।